शरद त्रिपाठी जी, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो आयुर्विज्ञान संस्थान जो देश का सबसे विश्वसनीय एक स्वास्थ्य संस्थान है, जहां पर विशेष करके हमारे उत्तर भारत के लोग जो दवा कराने के लिए आते हैं, बड़े प्रयास के बाद तो वो दिल्ली पहुंच करके एम्स में अपने इलाज कराने की पर्ची लेकर के खड़े होते हैं, लेकिन यह पीड़ा होती है कि उनको यहाँ आने के बाद इसकी क्षमता इतनी नहीं रह गई है कि उनको वहाँ पर ओपीडी में दिखाने के लिए 2 से 4 महीने तक का समय लग जा रहा है, और अगर एमआरआई आज की उनको अगर दिक्कत है कराने की तो उसके लिए तो 2 से 3 साल 4 साल तक का समय का उनको दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर गरीब पहले तो वह यहाँ आने में ही असमर्थ रहता है, अगर किसी तरह से पैसे की व्यवस्था करके अपना इलाज कराने के लिए एम्स में आता है तो उसके सामने दोहरा संकट खड़ा हो जाता है कि यहाँ आने के बाद जब उसको यह पता चलता है कि उसका नंबर अभी नहीं आ सकता है तो उस गरीब को और पीड़ा होती है और उसके सामने मरने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में उसको एम्स में केवल तारीखों के अलावा बाकी कुछ नहीं मिल पाता है, जहां वह बड़ी पीड़ा लेकर के अपना इलाज कराने के लिए आता है वहां सिर्फ उसको तारीखों पर तारीखें मिलती हैं। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि स्वस्थ भारत की जो परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है स्वच्छता अभियान के अंतर्गत, उसको पूरा करने के लिए एम्स जैसे संस्थान की क्षमता को तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।